जो दिग्गज है, बड़े नेता है, वो मौजूद है। थोड़ी ही देर में जो नेता है विधायक दल का, उन्हें चुना जाएगा। वहीं जो प्रस्ताव रखेंगे वो कार्यवाहक डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। देख सकते हैं कि तस्वीरों में सभी जो दिग्गज है वो स्टेज पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। लोक भवन में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। थोड़ी देर में इसमें कार्यवाहक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और ऑब्जर्वर अमित शाह के साथ को ऑब्जर्वर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी बैठक में शामिल है। इससे पहले शाह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पण किया। बैठक में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, चुनाव के संयोजक धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े नेता शामिल है। इस दौरान डिप्टी सीएम को लेकर कोई भी फैसला हो सकता है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बैठक को गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। इसके बाद योगी राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल को 273 एमएलए का समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। अपने दावेदारी के साथ साथ वो जो समर्थन पत्र है 273 एमएलए का, 273 विधायकों का जो इस मीटिंग में भी मौजूद है, उनके समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। वहीं शुक्रवार सुबह 10 बजे योगी आदित्यनाथ ने मंत्री बनने वाले विधायकों को आवास पर चाय पर भी बुलाया है। वहीं बताया जा रहा है कि योगी की नई टीमों में आधे से ज्यादा नए चेहरे होंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि पुरानी टीम के 3 कद्दावर चेहरे को नई टीम में मौका नहीं मिलेगा। यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस बार भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। पुराने डिप्टी सीएम में से 1 का दायित्व तो बरकरार रखने और नया चेहरा लाने का चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सूची में 43 नाम है। भाजपा विधायक दल की बैठक में अपना दल एस के 12 और निषाद पार्टी के 6 विधायक भी शामिल होंगे। अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि मीटिंग शुरू हो गई है, इसमें अभी तक कोई ऐसे चेहरे नजर नहीं आए हैं। ये इस मीटिंग के बाद, इस कार्यक्रम के बाद जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो जो 273 एमएलए का समर्थन पत्र है, उनका जो समर्थन है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। उसके बाद वो वहां सर मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, वही चुनाव के संयोजक धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। जो विधायक दल की मीटिंग है वो जारी है। थोड़ी ही देर में डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कार्यवाहक डिप्टी सीएम है, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के नाम का दावा पेश करेंगे।
आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग जो है वो जारी है। कार्यवाहक सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। 24 घंटे के बाद यूपी में योगी राज 2.0 का आगाज होगा, जिसकी मीटिंग अभी चल रही है। अटल स्टेडियम में योगी का मेगा शपथ समारोह होना है। गेस्ट लिस्ट कई नए चेहरों पर भी योगी सरकार 2.0 में दाव लग सकता है। कई नए चेहरे को भी कार्यभार दिया जा सकता है, जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। महिलाओं को भी 6 से 7 महिलाओं को मंत्री बनाने की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और जो जो विधायक दल का नेता है वो चुनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मीटिंग जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वहां इस वक्त मौजूद है। नितिन, और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अपडेट की बात करी जाए तो अभी जो बैठक है वो लगभग अंदर चल रही है, और उस बैठक में अमित शाह मौजूद भी है। अमित शाह अंदर मौजूद है, और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, और विधायक दल के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग इस वक्त चल रही है इस वक्त अंदर। और बैठक में अभी मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बैठक के पहले बीजेपी कार्यालय पर जो एक बैठक हुई है बीजेपी के नेताओं की, उसमें कहीं ना कहीं काफी चीजों पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाए। जी जी नितिन, बिल्कुल इस मीटिंग के बाद जब जो विधायक दल के नेता है उनके चुनने के बाद जो कार्यवाहक सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो राज्यपाल के सामने जाएंगे और प्रस्ताव रखेंगे सीएम का, और थोड़ी देर में प्रक्रिया जारी रहेगी। क्या कुछ किन नए चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है? हमारे संवाददाता से कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस मीटिंग के बाद जो कार्यवाहक के मुख्यमंत्री हैं वो समर्थन राज्यपाल के सामने पेश करेंगे, राजभवन जाएंगे और अपना दावा पेश करेंगे, अपना प्रस्ताव पेश करेंगे, जो सभी 273 MLAs हैं। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ, योगी के नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी, जो भी जीते हुए विधायक है वो अपना समर्थन देंगे। वहीं सुरेश खन्ना जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है विधानसभा का, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कार्यवाहक डिप्टी सीएम है वो नाम पेश करेंगे, नाम का प्रस्ताव रखेंगे सीएम के। वहीं अगर बात किया जाए लोक भवन में, तो लोक भवन में मंच पर भाजपा के सहयोगी दलों के नेता आशीष पटेल, संजय निषाद जैसे 12 नेता भी मौजूद है, जो सहयोगी दल है जिन्होंने 2022 विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, वो सभी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। लोक भवन में विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में इसमें कार्यवाहक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं योगी के नाम का प्रस्ताव सुरेश खन्ना ने रख दिया है इस मीटिंग में। उस मीटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव सुरेश खन्ना ने रख दिया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जो प्रस्ताव है योगी आदित्यनाथ के नाम का वो सुरेश खन्ना ने रख दिया है, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया अब जारी रहेगी? आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आ रही, कृपया अपना सवाल फिर से दोहराएं। नितिन, जो प्रस्ताव है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के नाम का वो सुरेश खन्ना ने रख दिया है, जो विधायक के सामने है, और इसके आगे की अब क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी?
हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे थे नतीजे आने के बाद। अब उनका नाम जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखा गया है, और उसके बाद अब सभी जो प्रोसेस इसके आगे का ये है कि सभी विधायकों से नाम पर चर्चा को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा और नाम का अनाउंसमेंट होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। उसके बाद अगर सभी विधायक दल की बैठक में मौजूद जितने भी विधायक है अगर वो उस पर अपनी राजीमंदी दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता जो है वो पूर्ण बहुमत से चुने जाएंगे, और यही प्रक्रिया होती है। और इसी प्रक्रिया का जो इंतजार है वो लगभग इस वक्त सबको है, और उसी प्रक्रिया पर बीजेपी इस वक्त धीरे धीरे काम कर रही है। सुरेश खन्ना मौजूद है, अमित शाह मौजूद है जो की केंद्रीय गृह मंत्री भी है, पर्यवेक्षक भी है, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, तो ये सारे नेता मौजूद है। आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद कल शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो होना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी नितिन, जो छोटे दल है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ा था, वो सभी उनके सभी अध्यक्ष इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, क्या कुछ जिम्मेदारियां किसको दी जा सकती है? देखिए, जिम्मेदारियां अभी तक तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि जब तक कल सारे नामों की शपथ ग्रहण नहीं हो जाती है तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि कितने नाम इस बार शामिल हैं और कौन कौन से वो नाम हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा इस बार, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है इस बार। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ पुराने नाम जो है उन पर विचार विमर्श जो है वो अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी जो कैबिनेट थी उत्तर प्रदेश सरकार की चुनाव से पहले, लगभग वही कैबिनेट इस बार भी रहने वाली है, विभाग बदले जाएंगे मंत्रियों के, और जो मंत्री चुनाव हारे हैं उनकी जगहों को भरा जाएगा। नितिन, युवा चेहरों इस वक्त की खबर ये आ रही है कि जो विधायक दल के नेता है योगी आदित्यनाथ उनको चुना जा चुका है, उन्हें अपना नेता विधायकों ने चुन लिया है। नितिन, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का जो नेता है वो चुना जा चुका है कृष्णा, और ये अपने में एक बड़ी खबर है। हालांकि औपचारिकता ही थी ये, क्योंकि पहले से ही सबको पता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही एक बार फिर से सूबे के मुखिया के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर जिसको लोकभवन भी कहा जाता है, मुख्यमंत्री कार्यालय भी है, यहाँ पर जो औपचारिक घोषणा है वो औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का जो नेता है वो चुन लिया गया। जी नितिन, इसके बाद की जो प्रक्रिया है, अब योगी आदित्यनाथ अपना प्रस्ताव राज्यपाल के सामने पेश करेंगे, थोड़ी ही देर में वो राज्यपाल के यहाँ पर जाएंगे, और क्या कुछ अब ताजा अपडेट आ रही है क्योंकि नेता विधायक दल का चुना जा चुका है एक औपचारिक तरीके से? देखिए, अब अगली प्रक्रिया जो होगी, क्योंकि विधायक दल का जो नेता है वो चुन लिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता रहेंगे, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के यहाँ जाकर के सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे साथ पूरा बहुमत है और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और उसके बाद जो औपचारिक जो उसमें पुष्टि है, औपचारिक जो हस्ताक्षर है वो राज्यपाल की तरफ से किए जाएंगे, अनुमोदन दिया जाएगा, और उसके बाद कल पूरा जो मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेता हुआ नजर आएगा। तो औपचारिकता ही महज बची हुई है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की शपथ लेने की, बस औपचारिकता बची हुई है, लगभग सारी चीजें अब फाइनल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे अगले 5 साल के लिए, और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है उसकी लिस्ट भी लगभग फाइनल हो चुकी है, जो अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल के सामने रखी जाएगी और उसके बाद उनका अनुमोदन लेकर कल इस पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कराया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, जो 272 MLA है उनकी सहमति से, सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता बन चुके हैं, एक ऐतिहासिक जीत नितिन जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, एक औपचारिकता ही बची थी। नितिन, जो एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सुरेश खन्ना के नाम पर, हालांकि सुरेश खन्ना ने ही प्रस्ताव रखा उनके नाम पे, जो एक विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष बनाने की खबर आ रही है, उस पर क्या कोई अपडेट सामने आ रही है? देखिए, पुराने जो विधानसभा के अध्यक्ष थे हृदय नारायण दीक्षित, वो इस बार चुनाव नहीं लड़े थे और उनकी उम्र भी हो गई थी, उन्हें स्पीकर पिछली बार बनाया गया था, उन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश में एज अ स्पीकर काम किया था, लेकिन अब उनकी कुर्सी खाली थी। इसके अलावा इस सीट पर एक सीनियर लीडर को बैठाना जरूरी है जिसके पास कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है सरकार चलाने से लेकर के सरकार में कैसे काम किया जा सकता है उसका, और इसके अलावा वो कई बार जीत करके भी आया हो। तो सुरेश खन्ना 9 से 10 बार जीत के आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बताया जाए तो इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की है, बीजेपी में इस वक्त सीनियर नेताओं में उनका नाम शामिल है, और बिल्कुल अब बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद जो नेता है उन नेताओं का निकलना और अंदर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और अब आगे बताया जा रहा है कि जो सुरेश खन्ना है उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर की जो जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। सुशला जी, नितिन, जो महिलाएं हैं इस बार योगी सरकार में, महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि
सूत्रों के हवाले से 7-8 नाम पहले भी सामने आ चुके हैं, तो क्या कोई महिला भी इस मीटिंग में शामिल हो रही है, उनकी ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? हेलो हेलो जी नितिन, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है जी नितिन। जो इस बार योगी सरकार 2.0 है उसमें महिलाओं को भी एक बड़े बढ़ चढ़ के एक हिस्सा दिया सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ अब राज्यपाल के सामने। आनंदीबेन पटेल के साथ सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता बन चुके, जो औपचारिकता थी औपचारिक तरीके से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के पास पहुंचेंगे और सीएम का जो एक दावा है वो पेश करेंगे। 272 जो विधायक हैं उनकी सहमति पेश करेंगे राज्यपाल के सामने। 6 बजे राजभवन जाएंगे योगी आदित्यनाथ, आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ। सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगी फाइनल मुहर। सुरेश खन्ना ने रखा था योगी के नाम का प्रस्ताव। 6 बजे राजभवन जाएंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल के सामने दावेदारी पेश करेंगे सीएम पद के लिए। 272 विधायकों की सहमति की दावेदारी पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं कल सीएम का शपथ ग्रहण समारोह इकाना स्टेडियम में होना है। वहीं इस ऐतिहासिक जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। वही बैठक में अमित शाह, रघुवर दास और महेंद्र सिंह डिप्टी सीएम जैसे कई बड़े चेहरे भी मौजूद थे। वही 6 बजे राजभवन जाएंगे योगी आदित्यनाथ, सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ जो 272 एमएलएज हैं उनकी सहमति भी वो राज्यपाल के सामने रखेंगे। कल सीएम पद का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कल इकाना स्टेडियम में होना है। सीएम पद का शपथ भी कल योगी आदित्यनाथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के नाम पर फाइनल औपचारिक मुहर लग चुकी है। योगी 2.0 की ताजपोशी कल होगी। हालांकि जो आज औपचारिक एक मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। वहीं आज सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने 6 बजे राजभवन पहुंचकर योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर्वसम्मति के साथ योगी आदित्यनाथ विधायक दल का नेता चुने जा चुके हैं। उनके नाम पर अब फाइनल औपचारिक मुहर लग चुकी है। वहीं सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा। 6 बजे राजभवन जाएंगे योगी आदित्यनाथ, सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ। कल सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। इस ऐतिहासिक जीत का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह कल इकाना स्टेडियम में होना है। सर्वसम्मति के साथ योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। वहीं सुरेश खन्ना को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। 6 बजे राजभवन जाएंगे योगी आदित्यनाथ, एमएलए की सहमति पत्र राज्यपाल के सामने रखकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो चुने जा चुके हैं, नेता विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। विधायक दल की बैठक आज थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुना जा चुका है उत्तर प्रदेश का। सुरेश खन्ना ने रखा था योगी के नाम का प्रस्ताव।
आज सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सरकार के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी आज। सुरेश खन्ना ने जो प्रस्ताव था वो योगी के नाम का सुरेश खन्ना ने रखा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब जो सरकार बनाने का प्रस्ताव है वो रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक जो औपचारिक शपथ ग्रहण है वो भी कल संपन्न हो जाएगा। अपना दल ऐसे ने सौंपा अपना समर्थन और यही अब लगातार जो दल है जो क्षेत्रीय छोटे दल है जो चुनाव 2022 विधानसभा में साथ दिए थे भारतीय जनता पार्टी का उन सभी का समर्थन अब रखने का दौर भी जारी हो गया। अपना दल ऐसे ने अपना समर्थन दे दिया है योगी सरकार को। सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा था उसके साथ ही अब जो सभी MLAs हैं उनका तो प्रस्ताव जो है वो सहमति वो रखा जाएगा। साथ ही साथ अपना दल एस ने अपना समर्थन दे दिया है अपना समर्थन रख दिया एक औपचारिक समर्थन रख दिया है। एक साथ चुनाव 2022 विधानसभा ये साथ में लड़े थे। कल सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। हमारे देश के यशस्वी गृह और हमारे विधायक दल के नेता जी का अभी उद्बोधन होगा और कोई भी हमारे विधायक दल अपनी बाइक नहीं देंगे। मेरा आग्रह है इसी कड़ी में अब विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता एक मिनट और कोई विधायक इंटरव्यू नहीं देगा बाइक नहीं देगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक बाइक देंगे। सारे मीडिया के साथियों को विनंती है कि जहां तक विधायक की बैठने की सीटें इसके ऊपर चले जाए कुटिया। कोई सुरक्षा कर्मी ने आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा आपके लिए भी नहीं होगा। कृपया आप लोग ऊपर चले जाइए प्लीज। सबका धन्यवाद। भारत माता की। अब इसी कड़ी में आज इस विधायक दल की बैठक में जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जोरदार तालियों के साथ में एक बार स्वागत करेंगे। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल अपना दल एस तानिसाद राज पार्टी के इस विधायक दल की आज की इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी सह प्रवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मान्य श्री रघुवर दास जी उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यासी सिंह पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी के रूप में जिन्होंने 5 वर्षों तक निरंतर प्रदेश में सुरक्षा सुशासन की स्थापना करने में अपना योगदान दिया, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील वंशल जी, सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायकगण, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, सहपर्यवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका। इस प्रस्ताव का यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और विधायक दल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, लगातार 8वीं बार 9वीं बार शाहजहांपुर से विधायक चुने गए और माननीय सुरेश खन्ना जी के प्रस्ताव पर श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने, श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी ने, श्री सुशील साक्य जी ने, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के साथ ही आप सब ने सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है और यह संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे उन्होंने उस समय संगठन की जो एक मजबूत नींव प्रदेश में रखी
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके व्यापक दौरे और 2014 में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2017 में विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक एक योजना को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित करने के जिस भाव के साथ यह अभियान प्रारंभ हुआ, सरकार और संगठन का बेहतर समन्वय, एक एक अभियान के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। जो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उसके परिणाम भी आए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में व्यापक निवेश हुए, उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का, और एक अभिभावक के रूप में समय समय पर जिस रूप में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, वो हम तभी संभव हो पाया, अन्यथा हम तो अनगढ़ लोग थे, कोई भी जानकारी नहीं थी। एक सांसद के रूप में हर व्यक्ति जान सकता है, एक सांसद अपनी बात को रखता है, संसद में रख सकता है, लेकिन शासकीय कार्य कैसे संपादित होने हैं, प्रशासन की व्यवस्था का संचालन कैसे होना है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को जब हम एक सांसद के रूप में रहते तो अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमें कार्य करना हो तो उस समय अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में करना है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस रूप में किया जाना चाहिए, यह एक एक बात को समय समय पर जिस प्रभावी ढंग से लागू करने में हमें मदद मिली, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में या स्वयं की कोई योजना तो होती नहीं थी, लेकिन केंद्रीय योजनाओं को भी लागू करने में जिसकी भूमिका सबसे पीछे होती थी, जिसके कारण केंद्रीय योजनाएं देश के अंदर कहीं ना कहीं उनके मार्ग में उत्तर प्रदेश एक बैरियर दिखाई देता था, आज उत्तर प्रदेश
अग्रणी राज्य के रूप में है उन योजनाओं को लागू करने में, और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। लोगों को पहली बार लगा कि गरीब का घर भी बन सकता है, पहली बार लगा कि पैसा सीधे गरीब के खाते में जा सकता है, पहली बार लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकते हैं, पहली बार लगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन सकता है, और पहली बार लगा है कि एक गरीब को भी फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर राशन प्राप्त हो सकता है। कोरोना कालखंड में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिलना, केंद्र शासन की ओर से भी और राज्य शासन की ओर से भी एक सपना था, क्योंकि यहां पर खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, लेकिन आज प्रत्येक नागरिक को तकनीक का उपयोग करके, जिस तकनीक के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जोर रहता था, आज उस गरीब को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। और हमने देखा इस पूरे चुनाव में सचमुच जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ सबका विश्व सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। और जनता जनार्दन ने, आपने देखा होगा गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो, या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया, और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, सत्ता प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, हम सब की परीक्षा के दौर से आगे बढ़ने के लिए भी हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने अपने आप को खरा उतार सकते हैं, योजनाओं का लाभ बेहतर समन्वय के माध्यम से, और डबल इंजन की सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र था उसको जनता ने खुले हृदय से अपना समर्थन किया है, खुले हृदय से उसको अंगीकार किया है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन योजनाओं को हर एक तक पहुंचाना, तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, 80,000 राशन कोटी की दुकान में ई पॉस मशीन का लग जाना, उन गरीबों तक राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, जनधन अकाउंट में करोड़ों बैंक के खाते खुल जाना, भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ जाना, और इन सभी को जब हम आगे लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा, पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, और उसके लिए तैयार होना, उसके लिए तैयार होना।
उस सुशासन की स्थापना उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प दिया है देश के सामने, जिस प्रकार का शासन देकर के देश की और दुनिया के अंदर आज लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी छू रहे हैं अपनी कार्यों के माध्यम से, अपनी कर्मठता के माध्यम से, अपने देश की सुरक्षा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत को दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित करने को लेकर के, और यही संकल्प देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, यह देश के विकास में सहायक बनता है। आखिर देश की छठी आबादी यानी 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, और 1/6 की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करने के बाद इस 6 करोड़ जनता के लिए, हमें याद है जब पहला बजट हमें प्रस्तुत करना था, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा, योगी जी देखिए, यूपी जैसे राज्य की का बजट 2 लाख करोड़ का हो, कैसे आप लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे? लेकिन इसके लिए 2 कार्य करने पड़ेंगे, राज्य की आय को बढ़ाना पड़ेगा और खर्च के दायरे को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हर गरीब तक शासन की योजनाएं पहुंच सके। और हम लोगों ने 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके 6 लाख करोड़ तक उत्तर प्रदेश के बजट को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का कार्य पहले 5 वर्ष के इस कालखंड में, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे सामने चुनौती के रूप में थी, उस पर भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाया है, ये दुगने से ज्यादा हुई है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की पहले कालखंड के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ होना है, लोक कल्याण संकल्प पत्र पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले जारी किया है। और यही नहीं, युवाओं के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उस आस्था का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन आप जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की है, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा, एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में, एक देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए। हम शासन में आते हैं, मालिक बनने की भूल कभी न करें, एक सेवक के रूप में। बहुत है हम उस व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में, हमारी भूमिका होनी चाहिए। पार्टी ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी की व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के तहत हम अपना योगदान देंगे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश तमाम मामलों में आज अग्रणी राज्य के रूप में देश के अंदर उभर करके आया है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ने का समय हमारे सामने है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा और यह संभव है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, सब कुछ यहां पर है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबके पास है। वो उत्तर प्रदेश के काशी से स्वयं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका मार्गदर्शन निरंतर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, संरक्षण प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए प्राप्त होता है।
और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस प्रक्रिया के साथ, सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज एक बार फिर से मुझे जब पार्टी ने अवसर दिया है, मैं यहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय गृह मंत्री जी का सब पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी का हृदय से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और सर्वानुमति से इस राय को यहाँ पर व्यक्त करने में जो योगदान हमारे नेताओं का यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इनके लिए प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पार्टी संगठन का चुनाव के दौरान चुनाव के प्रभारी के रूप में माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, संगठन के प्रभारी के रूप में माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं का संयोजन करके इस पूरी प्रक्रिया को एक टीम भाव के साथ आगे बढ़ाने में जो योगदान श्री सुनील बंसल जी ने और उनकी पूरी टीम ने दिया है, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे दोनों सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश खन्ना जी और इस पूरी टीम ने, मेरे मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी थे, जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, संगठन के केंद्रीय मंत्रीगण थे, केंद्रीय पदाधिकारी थे, देश के अंदर प्रवासी कार्यकर्ता थे, विस्तारक थे, उन सब का भी मैं हृदय से इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। आज मुझे फिर से जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मैं इसको पूरी मजबूती, मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझे, मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। और पूरा विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल, हमारा पूरा विधायक दल इस पूरे अभियान का साक्षी बने और इस अभियान के साथ एक टीम के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे, उसके बेहतर परिणाम और भी अच्छे ढंग से आ सकते हैं। कोरोना कालखंड में चुनाव संपन्न हुआ है, एक बड़ी चुनौती थी और फ्री में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को जिस रूप में उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। देश के अंदर 175 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगी हैं और उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 29 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की डोजेस अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई हैं। थर्ड वेव पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना होगा। कोरोना कालखंड में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, जो उत्साह आप सबके प्रति, पार्टी के इस पूरे अभियान के प्रति जनता जनार्दन ने व्यक्त किया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का इसके प्रति हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव प्रचार में और पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी मजबूती के साथ भाग लेकर के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया है। अपने दोनों सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद पार्टी, अपने इन दोनों नेताओं का, इनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चुनाव जिताने में अपना योगदान किया है। मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और हमारे सहयोगी दल ने जो आज फिर से मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व के निर्वहन करने के लिए
आपके साथ मिलकर के कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका एक बार फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, आज के इस केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय गृह मंत्री जी, सह पर्यवेक्षक के रूप में माननीय श्री रघुवरदास जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बार बार कल्पनाओं से परे नतीजे लाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान और मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है, एक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संग्रह और सशक्त भाजपा बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश में हम सब कार्यकर्ताओं को जिनका आशीर्वाद मिला है, ऐसे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित शाह जी, आज के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, संगठनात्मक नेतृत्व में, ऐसे हमारे भाई स्वतंत्र देव जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी थी, ऐसे देश की शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे साथ सह पर्यवेक्षक श्रीमान रघुवरदास जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी राधामोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, दिनेश मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, भाई सुरेश खन्ना जी, आशीष सिंह जी, संजय निषाद जी, और आज इस बैठक में यहाँ पर उपस्थित सभी विधायक दल के सदस्य भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था, पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे।
और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कई सालों से अस्थिरता का केंद्र रहा, राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र रहा। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का विकसरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का विकसरण होता गया और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई। और उसी के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत लंबे समय से 2014 तक चला। 2014 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे और उस घोषणा के साथ ही समग्र देश के अंदर एक चेतना जागृत हुई थी, समग्र देश के अंदर एक खुशी और आशा की लहर दौड़। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, मुझे ठीक याद है एक घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक खुशी की लहर। मैं जब प्रभारी बना तब एक घोषणा नहीं हुई, घोषणा के बाद आम कार्यकर्ता भी बोलने लगा था कि इस बार 65 के पार सीटें जीतेंगे। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव अभियान चला, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा करकर 73 सीटों के साथ जिताने का काम। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में एक विश्वास जगा कि अगर 14 के चुनाव में 73 सीटें जीत सकते हैं तो 17 में 300 पार भी कर सकते हैं। और मोदी जी की सरकार 14 से 17 चली, यही योजनाएं थी जो योगी जी ने जमीन पर उतारी। मगर उस वक्त जो शासन था समाजवादी पार्टी का, उसने ये योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कोई परिश्रम नहीं करा। ये योजनाएं जातिवाद के कारण हर व्यक्ति पर तक नहीं पहुंची, ये योजनाएं भ्रष्टाचार के कारण जमीन पर नहीं पहुंची, ये योजनाएं एडमिनिस्ट्रेशन के राजनीतिकरण के कारण जमीन पर नहीं पहुंची, और ये योजनाएं राजनीति के अपराधीकरण के कारण भी जमीन पर नहीं पहुंची। हमने इसको मुद्दा बनाया। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के एक एक मतदाता के घर में गया और उन्होंने कहा कि मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 सूबा बनाएंगे, पहले नंबर का प्रदेश। और मित्रों, परिणाम आया कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 300 पार का मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने लिया। उत्तर प्रदेश में बहुत समय के बाद किसी पार्टी को 300 पार का मैंडेट मिला। और फिर पार्टी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ढेर सारी चुनौतियां थी, बिखरा हुआ अर्थतंत्र था, छिन्न विछिन्न प्रशासनिक ढांचा था। जैसे पहले मैंने कहा, पूरे प्रशासन का
राजनीतिकरण हो चुका था और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई ठोस ठिकाना नहीं था। औद्योगिक निवेश के लिए जो सम्मेलन मुख्यमंत्री करते थे वो दिल्ली में करने पड़ते थे, क्योंकि उद्योगपति लखनऊ सम्मेलन में आने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति गरीबों को लोकतंत्र के अंदर श्रद्धा ही नहीं बची थी। उनको जातिवाद ने, एक प्रकार से जातिवाद के नासूर ने उनकी आशाओं को खत्म कर, परिवारवाद के नासूर ने इनकी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा को शत विशत कर दिया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली और मैं आज ये बात आप सबके कहने आया हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक जो यात्रा चली, बीच में 19 में भी हमने 65 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ एक बार विजय प्राप्त की और अंत में 22 में दो तीन से एक बार दो तिहाई बहुमत से जीते। भारत की राजनीति का, भारत के लोकतांत्रिक चुनाव का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब पंडितों ने इस बात की मीमांसा, इस बात की समीक्षा जरूर करनी पड़ेगी कि क्या हुआ 2017 से 2022 के बीच में, क्या हुआ कि इतना प्रचंड जनादेश फिर से एक बार मिला। मित्रों, सबसे बड़ा काम योगी सरकार ने किया तो मैंने जो कहा प्रशासन के राजनीतिकरण को उन्होंने समाप्त कर दिया। प्रशासन संविधान के आधार पर, प्रशासन कैबिनेट के निर्णय के आधार पर चलने लगा, कोई जाति विशेष के लिए प्रशासन काम नहीं किया और राजनीति का अपराधीकरण बंद हो गया। माफिया, गुंडे, पुलिस प्रशासन के मालिक बनकर बैठे थे, उसको शीर्षासन कराने का काम योगी सरकार ने किया और पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम। गरीब आदमी के मन में भी एक आशा जगी कि मैं जाकर थानेदार को मेरी रिपोर्ट लिखाऊंगा तो वो एफआईआर में बदल जाएगी। एक छोटी सी बच्ची को भी ये विश्वास जगा कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ छेड़खानी करने की, अगर मैंने फरियाद कर दी तो जेल की सलाखों के पीछे जाता। और वो विश्वास जागने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की राजनीति शुरू हुई। मोदी जी ने जो सूत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार चली और योगी आदित्यनाथ ने वो सूत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। ढेर सारी योजनाएं हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। जिसको घर मिलना था उसको घर मिला, जिसको गैस मिलना था उसको गैस मिला, जिसके घर में बिजली पहुंचती थी वो 1,42,00,000 लोगों के घर में बिजली भी पहुंच गई। जिनको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिलना था उसको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड जाति और धर्म पूछे बगैर मिला। शौचालय घर में बन गया और मुफ्त में अनाज देने की योजना भी उसके घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये जो बदलाव आया वो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत करने वाला है। आज मैं सारे विधायक यहां बैठे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मित्रों, हम सब सोचते हैं कई बार, मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हूं, 5 बार विधायक चुनकर आए, एक बार राज्यसभा सांसद, एक बार लोकसभा सांसद, हम सबको लगता है कि हमारी लोकप्रियता से हम जीत कर आए हैं। मैं सभी को कहता हूं कि पार्टी सबसे ऊपर होती है और पार्टी ही, पार्टी की नीतियां ही
पार्टी के लिए लोकप्रियता का सृजन करती है। सरकार के कार्यक्रम ही नेतृत्व को लोकप्रिय बनाते हैं, और हमारा दायित्व है कि नींव डालने का जो काम किया है इस पर एक भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए हम आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के विकास की जो नींव डालने का काम 5 साल में हुआ है, आगे के 5 साल उत्तर प्रदेश के खोए हुए गौरव को वापस दिलाने का है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए। यहीं से शुरू होती है बदलाव की यात्रा, यहीं से शुरू होती है विकास की यात्रा, यहीं से होती है सुरक्षा के दृढ़ीकरण के नई यात्रा, और यहीं से होती है नींव पर समृद्धि की बुलंद इमारत बनाने की यात्रा। यहीं से शुरू होती है गरीब और युवाओं के और छोटी बच्चियों के आशाओं आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा, और उसको पूरा करने का काम मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों ने, सभी विधायकों ने करना है, योगी जी के नेतृत्व में करना है। और हम सब आज विजय के आनंद के साथ साथ ये संकल्प भी लेकर जाए कि जो कानून और व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने का काम 5 साल तक हुआ है उसमें हम विक्षेप न बनाए, इसको और सुदृढ़ बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के गांव गांव तक, प्रधानमंत्री आयुष्मान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंचाई है, पूरे उत्तर प्रदेश के 5 कोने को जोड़ने वाले राजमार्ग बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं। गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में अतुलनीय सिद्धि प्राप्त की है। घर देना हो, बिजली देना हो, शौचालय पहुंचाना हो, गैस देना हो, स्वास्थ्य का कार्ड देना हो, मुफ्त में अनाज पहुंचाना हो, या देश में सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाना हो, हर योजना को हमने झंडे पर पहुंचा है। ये यात्रा भी हमारी चालू रहनी चाहिए। यहां पर अच्छे राजनीतिक माहौल और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति के कारण इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत, यही इन्वेस्टमेंट से राजस्व आएगा और यही राजस्व से फिर से योजनाएं बनकर गरीब को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इन्वेस्टमेंट के माहौल को, निवेश के माहौल को और मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक विधायक ने करना है। मित्रों, मुझे ठीक याद है 2017 में देश की 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था था उत्तर प्रदेश, एक 5 ही साल में उसको 2रे नंबर पर योगी सरकार ने लाया, और हम सब ने सरकार आने वाले दिनों में जिन जिन को जिम्मेदारी मिले उसने संकल्प करना है कि 1 नंबर की अर्थव्यवस्था देश की उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द बने। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसा एक व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला नेतृत्व हमें मिला, मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी नेतृत्व मिला, एक परिश्रमी नेतृत्व मिला, एक गरीबों के प्रति संवेदना रखने वाला नेतृत्व मिला। देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हर निष्प्रयास करने वाला एक नेतृत्व मिला है, और भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ तक पहुंचाने की प्रेरणा देने वाला नेतृत्व भी श्री नरेंद्र मोदी। और यहां पर योगी जी ने मोदी जी के हर कार्यक्रम जमीन पर सफलतापूर्वक परिश्रम के साथ उतारा। एक 5 साल में कोई एक सरकार इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, मुझे लगता है इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, और उसके डॉक्यूमेंटेशन को लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई मान ही नहीं सकता। इतना हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचाने की बात,
140 मेडिकल कॉलेज का जब हम लिखते थे वहां पर घोषणा पत्र में, तब श्री भूपेंद्र यादव मेरे साथ था कि 40 ही मृत्यु क्या ऐसा पूछा था। आज मुझे आनंद है 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम संभाल। ये परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को सुचारू रूप से योगी जी ने नीचे तक पहुंचाया, इसके कारण नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाओं का रेखांकन किया राष्ट्रीय स्तर पर, उसको जमीन तक गरीब की झोपड़ी तक पहुंचाने का एक भव्य पुरुषार्थ हुआ, पारदर्शी पुरुषार्थ हुआ, इसके कारण ये परिणाम मिला। और आज आप सभी लोग चुनाव जीत कर यहाँ आए हैं और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य भी बने। आने वाले 5 साल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास क्षेत्र की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से संभव ही नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास एक प्रकार से देश के विकास के साथ जुड़ा है। तो प्रदेश में फिर से आप लोगों ने आज श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना नेता चुनकर कल उनका शपथ ग्रहण समारोह और एक और 5 साल उत्तर प्रदेश की सभा जनता का सेवा करने का मौका हम सभी को ईश्वर ने भी दिया है, जनता ने भी दिया है। और मोदी जी का नेतृत्व तो है ही, ये दोनों के सुपक्ष समन्वय का उपयोग कर हम उत्तर प्रदेश को विकास की दृष्टि से हर ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, इन लोकतंत्र के इन 3 नासुरों उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने किया है। इन यात्रा को भी 2014, 2017, 2019 और 2022 ये 4 चुनावों ने सिद्ध किया है, उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण में नहीं मानती है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में मानती है। और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इसकी जो यात्रा शुरू हुई है ये हम जारी रखें। मैं चुनाव के अभियान में जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ तब से सदस्यता अभियान, जब चुनाव का प्रचार बंद हुआ काशी क्षेत्र में तब तक लगा, मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अभिनव कार्यकर्ता दिन रात अपने कुर्ते का कलर भी बदल जाए इतनी मिट्टी खाते हुए जन जन का संपर्क करने का काम, चाहे 31 दिसंबर हो, चाहे कोई त्योहार हो, कोई ऑकवर्ड समय पर भी मीटिंग बुलाई गई मगर किसी ने कोई हंसते हंसते सभी लोग आए, सबने काम। और देश भर से भी कोई बड़े बड़े नेता, गुजरात के मंत्रियों ने मंत्रियों को मैंने देखा है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों को देखा है, केंद्रीय मंत्रियों को देखा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा वहां जाकर एक बूथ वीक है, वहां जाकर बैठ जाए, तो बूथ का काम करते हुए मैंने राज्य सरकार के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के चुनाव। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है हमारी कार्य संस्कृति, हमारी पूंजी है, उसको आगे बढ़ाना। चुनाव का नेतृत्व संगठन ने जिन लोगों को सौंपा है उनकी कार्य योजना को नीचे पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होना है। और विनम्रता के साथ देश भर के कार्यकर्ताओं ने यहां पर परिश्रम किया है, उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ने दिन रात एकत्रित करके जनसंपर्क का काम किया है। पहले 2 चरण में तो कोरोना का डर भी था, फिर भी कार्यकर्ता कभी मास्क लगा नहीं लगा, कोरोना होगा नहीं होगा, हुआ तो भी टेस्ट नहीं कराना है, चुनाव बाकी है, ये मोल और ये मिशन के साथ कार्यकर्ता लगा। मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज रंग ला है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम में ये परिणाम मिला है। परिणाम के लिए देश भर के और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लक्षावधि कार्यकर्ता प्रणाम के अधिकारी हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार
पूरे चुनाव अभियान में सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाला कोई कार्यकर्ता का नाम लेना है तो पूरा देश बेझिझक श्री नरेंद्र मोदी का नाम लेगा। इतना परिश्रम मोदी जी ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी भी कोई सभा बढ़ा दी, कोई सभा पकड़ समय पर रखी, कभी ना। डिसिप्लिन कार्यकर्ता के नाते, डिसिप्लिन नेतृत्व के नाते उन्होंने प्रचार अभियान को गति देने का काम किया। अंत में भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाए और उत्तर प्रदेश में जो मजबूत नींव डालने का काम जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, एक नींव पर एक भव्य इमारत बनाए और उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन सूबा बनाने के लिए हम सब लोग मनोयोग से जुड़ जाए, यही आप सभी से अपेक्षा है। फिर से एक बार आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देकर और योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि अगले 5 साल उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपके नेतृत्व में सुवर्ण अक्षरों से अंकित हो, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश का विकास हो, यही शुभकामनाएं लेकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृहमंत्री जी। अब अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं मंचासीन अतिथियों का, माननीय गृहमंत्री जी का, आदरणीय रघुवर दास जी का, मंचासीन सभी अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उपस्थित आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, हम मंचासीन सभी अतिथिगणों का और मैंने नवनिर्वाचित सभी विधायकगणों का, विधान परिषद के सदस्यगणों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है और ग्राउंड फ्लोर पर सभी के जलपान की व्यवस्था है, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। लोकभवन में हुए विधायक दल की बैठक में 9वीं बार विधायक बने सुरेश खन्ना ने योगी के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि 35 सालों में कभी एक पार्टी को दूसरी बार बहुमत नहीं मिला। भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने 2 बार 2/3 बहुमत हासिल किया। भाजपा के नेता योगी को दूसरी बार जनता के ने सीएम चुना है, आज विधायकों ने नेता चुना है, लेकिन चुनाव की शुरुआत से पहले पार्टी की घोषणा की थी कि योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जनता ने जिताया और फिर मुख्यमंत्री बनाया। अमित शाह ने अपने संबोधन में ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि यूपी कई सालों से राजनीति अस्थिरता का केंद्र रहा है, आजादी के बाद राजनीति का चरण होता रहा है, नतीजा क्षेत्रीय पार्टी बढ़ती पनपती गई। लगातार संबोधन हुए जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ प्रस्ताव पेश करेंगे राज्यपाल के सामने और कल योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण होगा। संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने जनता का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर से जातिवाद वंशवाद को ठुकरा कर एक बार अपना नेता चुना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।